यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और इसे आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे, जिसको लेकर सियासत भी लगातार जारी है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता से वादा करते हुए यूसीसी लागू करने का संकल्प लिया और यूसीसी कमेटी का गठन किया था। वहीं समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और 2 फरवरी को यूसीसी समिति अपनी रिपोर्ट हमें सौंपेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि वह इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा जो नजीर पर पेश करेगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा जो संकल्प पत्र का महत्वपूर्ण बिंदु था, जो हमने जनता के बीच में जो वादे करके हमने सरकार में आए थे, वो यूसीसी का बिल बहुत जल्दी सदन के अंदर आ रहा है। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि उत्तराखंड राज्य पहला राज्य बनेगा जो समान नागरिक संहिता के लिए एक नज़ीर पेश करेगा। पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा होगी और मैं कह सकता हूँ कि इसके बाद देश के अंदर यथाशीघ्र ये समान नागरिक संहिता लागू है, ऐसी हम अपेक्षा भी करते हैं, कल हमें विश्वास।